अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि पंचकूला नगर निगम का चुनाव चल रहा है, जोरों शोरों पे चल रहा है, चाहे भले ही सर्दी पड़ रही हो, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि सूरज भी निकला हुआ है आज, और राजनीति की तपश भी पूरी तरह से यहाँ पर हमें महसूस हो रही है। और आज हम खड़े हैं पंचकूला के स्केतड़ी गांव के अंदर। स्केतड़ी गांव, कल हम रामगढ़ थे, हम आपको ग्राउंड लेवल रिपोर्ट बता रहे हैं। ग्राउंड का मतलब बिल्कुल जीरो लेवल रिपोर्ट, जमीनी स्तर की, कि यहाँ पर जो स्केतड़ी गांव के बसिंदे हैं वो इस इलेक्शन को किस दृष्टि से देखते हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे, आप यहाँ पर यही देख सकते हो कि यहाँ पर गाँव के लोगों का हजूम कैसा है। अब हम बात करते हैं कि इनके क्या मुद्दे थे। नमस्कार जी, मास्क उतार दीजिए। मेरा नाम, क्या नाम है जी? गुरतेज सिंह। गुरतेज सिंह जी, आप इसी गांव के हो? हाँ जी, मैं कब से रह रहे हो? पैदाइशी दादा परदादा यहीं के हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आपने तो इस गांव को छोटा गांव भी देखा होगा, हाँ, वक्त के साथ बढ़ता हुआ भी देखा है, तो आप ये बताइए इस गाँव की कौन सी मूलभूत सेवाएं हैं जो आज तक नहीं हो सकी? सीवरेज सबसे बड़ी मुद्दा जी, यहाँ का सीवरेज पड़ा नहीं है? नहीं जी, आज तक नहीं सीवरेज पड़ा ना। यहाँ पे हमारे लिए खेल मैदान मिला हमें सरकार की तरफ से, ना ही और फैसिलिटी है जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिली। आपके इतनी बार एमसी बने हैं, एमएलए बने हैं, वो वोटे मांगने आते होंगे, क्या उन्होंने मुद्दा कभी आपने उनके आगे उठाया नहीं? मुद्दे बहुत उठाए हैं जी, ये रोड देख लो जी आपके सामने है, जैसा काम हो रखा है, और शमशान घाट का हाल देख लो जाके जी, भी कैसा हाल है ना। यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए है जी, ना सीवरेज की व्यवस्था ठीक है यहाँ पे, ना ये स्ट्रीट लाइट है, इसका भी बुरा हाल है जी, आधी चल रही है आज। तो यहाँ पर जो अब नया पार्षद बनेंगे तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हो? आपके पास पार्षद आते होंगे सभी वोटों, हाँ, के लिए, हाँ, वो भी कहते होंगे अपने क्या दिक्कतें हैं। तो आपने कभी किसी से पूछा कि आपके, अगर आप ये कहते हो कि दिक्कतें हैं हम दूर करेंगे, उसके लिए कौन सा मास्टर प्लान आपके दिमाग में, ऐसी कोई बात हुई आपकी? हाँ जी, हमारी बात हुई है, हमने मेन मुद्दा ही रखा है, एक तो ग्राउंड छिड़ाओ जी, मेन सीवरेज, और एक यहाँ पे कब्रस्तान है जी, मोमडन गाँव है जी, साथ महादेव, उनके लिए कब्रस्तान तो कट गया गवर्नमेंट से, पर उसकी चार दीवारी अभी तक नहीं हुई। तो अब हम आगे आते हैं, एक मिनट इधर देखना जरा, इधर घुमाना। आपने नमस्ते, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, क्या नाम है? महेंद्र सिंह जी। हाँ जी, महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, आप ये बताइए दो शब्दों में कि इस गांव की कोई एक समस्या बताइए। समस्या तो सबसे बड़ी तो यही सीवरेज की है जी। सीवरेज नु काफ़ी देर होगी कोई ध्यान नहीं दे रहा, इधर बहुत देर होगी, इन्हों कहिंदियां नू भी सीवरेज पा दो, सीवरेज पा दो, कहने भी हुण पै जूगी, इस साल पै जूगी, नहीं पड़ा, मतलब शिवरेज नहीं पड़ा। चलो, हाँ जी नमस्ते, सत श्री अकाल जी, क्या नाम है जी? गुरुचरण सिंह जी। अंकल सामने देखना है, हाँ जी। कोई एक समस्या बताना गाँव? हाँ जी, सीवरेज होना चाहिए और स्ट्रीट लाइट जो है आधी चलती है। इन्होंने स्ट्रीट लाइट का मुद्दा उठाया है जबकि नगर परिषद बने इतनी देर हो गई है, नगर निगम बने होगी है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं जी आपकी? ठीक नहीं चल रही, आधी चलती है, आधी नहीं चलती, और मेन मुद्दा सीवरेज तो जल्दी होना चाहिए। सीवरेज का मुद्दा उठाया, अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी नमस्कार जी, आइए आप आगे आगे आइए जी। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरजिंदर सिंह है जी, मेरा पेशा मैं गीतकार है। हरजिंदर जी, आप गीतकार हो जी, तो एक आधा गीत सुना दो फिर माहौल बन जाएगा थोड़ा सा। लोको मैं किसान बोलदा, होके अज परेशान बोलदा, मेरे जख्मी सब ने लूण भूलिया, मलम किसे लगाया नहीं। लोको मैं किसान बोलदा, होके अज परेशान बोलदा, मैं सप्पां दियां सिरियां मिधदा, किसान है जड़ा वो दिन रात लोगों अन्न पजा रहा। तुम गल कर रहे मुद्दों की, तुम गल की है 15 लाख की गल करी है, भाई साहब कह रहे थे भी साड़ी सीवरेज की मुद्दा है, असी 5 किलोमीटर साढ़ा एक नंबर के पिंड है, सब तो पहला पिंड है, पंचकूले मूँह चढ़ा हुआ पिंड है। मूँह चढ़ाने का मतलब कैसे कह रहे हो? मतलब यह है जी, असी 5 किलोमीटर चंडीगढ़ से दूर बैठे हैं, जिदण की बीजेपी सरकार आई है 15 लाख का जुमला, जुमलिया वाली सरकार आई है, सानू कुछ नहीं दिता, साडिया जमीना खोलिया नहीं। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो विकास दिख रहा है आपको? एक विकास मेरे को गणा दे, डिस्पेंसरी हमारी 7 साल से बीमार पड़ी है, टूट गई है, जो हमारा स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य मंत्री है वो बीमार पड़ा है, हमारी डिस्पेंसरी बीमार पड़ी है, कोरोना के नाम पे हमें लूटा गया, हर एक जगह हमारा स्कूल है, ये हमारे गांव की पंचायत ने बनाया था, किसी सरकार ने नहीं बनाया, उस टाइम भजन लाल थे, भजन लाल ने काम किया। सामने देखो, क्या नाम है आपका? करम सिंह। हाँ जी,
करम सिंह हैं जी। करम सिंह, करम सिंह जी, आप इसी गांव के हो? हाँ जी। कब से रह रहे हो? रहते बहुत देर, बहुत देर से रह रहे हो। क्या दिक्कतें आपको आ रही है इस गांव में? दिक्कत कोई नहीं आई, कोई नहीं है। करम सिंह जी कह रहे हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, आप आइए, आ जा। हाँ, क्या नाम है बेटे आपका? ऋषि सर। करम सिंह जरा साइड पर होइए। ऋषि राम में रहे? ऋषि जी, ऋषि जी इसी गाँव में रहते हो? हाँ जी सर। आप यंग हो, नौजवान हो, और नौजवानों का बहुत योगदान होता है रेवोल्यूशन लाने में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये बताइए कि इस गांव में आप कितनी देर से रह रहे हो पहले? मैं तो बचपन से, जब से मेरे दादे परदादे यहीं से हैं। काफी पुराना गांव है ये। हाँ जी, तो आप ये बताइए ऋषि जी कि कौन सी दिक्कत है जो आपने? मेन दिक्कत तो सीवरेज की है, और हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए बिल्कुल भी। पार्क वगैरह? पार्क वगैरह मुझे एक चीज, हाँ मैं आपसे, पार्क है तो सिर्फ बना तो दिया सरकार ने पार्क, ये भी नजायज ही हो गया। हमारी जमीन अक्वायर कर ली, नशेड़ी बैठ दे, कोई यहाँ पे कोई जा सकती है? नशे में कोई बात नहीं कर रहा प्रशासन में। और यहाँ जो नशा है, बहुत ज्यादा नशा फैला हुआ है सकेतड़ी में। तो मुझे आपने ये बात कही है, तो आप जो नए पार्षद है उनके आगे मुद्दा उठाओगे ये? हाँ जरूर उठाएंगे। जो हमारे सुखदेव जी हैं ये ठीक है, इनको अगर ये जीत भी गए हमारे साथ रहेंगे, हमारा साथ देंगे और हमारा सुनेंगे। हम क्या, आप ये बताइए कि आप सबसे, मैंने एक प्रश्न पूछना है आप बुजुर्गों, आप सबसे, कि आपका जो गांव है, आप ही आगे जरा एक मिनट आप ही आइए, कि आपका जो गांव है यहाँ पे सकेतड़ी में शिव मंदिर इतना पुराना, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, तो उसके बाद भी ये मूलभूत सेवाओं से वंचित है। यहाँ पर ACS भी हैं, मिनिस्टर भी आते हैं, तो फिर भी ये कैसे रह गया, किसके कारण रहा ये? ये कारण तो यही है, पैसा। यहाँ जो बैठे कमेटी वाले वो यहाँ उड़ते नहीं, आगे अफसरों को पैसा देते हैं। ये श्राइन बोर्ड के अंडर आता नहीं, अगर श्राइन बोर्ड के अंडर आएगा तो हमारी मसली हल हो जाएगा सारा। सुनो सुनो, इन्होंने, ऋषि जी ने मुद्दा ये उठाया कि सकेतड़ी मंदिर है जो जो शिव जी का प्राचीन मंदिर है, उसको भी अगर सरकार श्राइन बोर्ड के अंदर लेगी तो उससे काफी हद तक इस गांव की दिक्कतें दूर हो सकती हैं। मेरे नाम तौफीक खान है। तौफीक खान जी, आप ये बताइए, इन्होंने अभी ये मुद्दा उठाया था कि कब्रिस्तान की यहाँ पर जगह हो गई है लेकिन चार दीवारी नहीं बनी, इस बारे में क्या? चार दीवारी अभी होने वाली है, मुद्दा उठाया है, सारे भाई मिलके मुद्दा उठा रहे हैं, सारे भाई मिलके मुद्दा उठा रहे हैं, कब्रिस्तान का साथ दे रहे हैं, मरगटियाई का भी साथ दे रहे हैं, और सभी लोगों ने बोला है, यहाँ के लोगों ने भी, महादेव के लोगों ने भी, और यहाँ के जो भी मंत्री आए थे उस दिन वो भी बोल के गए थे। नहीं, बोल के गए थे लेकिन सोल्यूशन होता दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, हाँ दे रहा है, पक्का दे रहा जी। हाँ जी। तो उससे पहले आप कहाँ पर दफनाने का काम करते थे, जैसे वो रस्म होती है, वो कहाँ पर करते थे? कि यहीं पर कर रहे हो? नहीं नहीं, हम पहले मनीमाजरे करते थे, अब हम यहीं करते हैं। अच्छा, वो जगह बन चुकी है चार दोरी? हाँ हाँ, हो गई वहीं। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा काम लगा कि आपको सरकार ने यहाँ पर हुआ है? सरकार के अच्छा काम चल रहा है जी, बढ़िया इलेक्शन अच्छे चल रहे हैं, और समाज सेवा बिल्कुल एक करके इलेक्शन हो रहा है। यानी क्या नाम है बेटे आपका? इस्माइल खान। इस्माइल खान, आप यहाँ इसी गांव के हो? हाँ जी। एक वोट पहली बार डाल रहे हो? हाँ जी। तो कैसा महसूस हो रहा है, कि दिल में रोमांचक महसूस हो रहा है कि पहली बार वोट डाल रहे हो, कि आप भी उस तंत्र का हिस्सा बनने जा रहे हो कल परसों से, जिस तंत्र में हमें संविधान ने वोटिंग राइट दिया है, तो कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ, खुशी है जी, अपना सुखा भाई खड़े जी अपने इस एरिए से जी, अपना तो इसी सपोर्ट में जी, अपना भाई बने जी कोई भी बने, ठीक है, अपने एरिए का काम हो, जो भी सुधार हो। मेरे यही सोच है सबसे पहला जी, इस एरिए के अंदर ना जी एक हॉस्पिटल होना चाहिए जी, ठीक है, दूर बंदा है जाना पंचकूले के अंदर आई, और जो भी है स्कूल का भी काम होना चाहिए जी, बढ़िया जी। देश का अगर किसान है तो राजा है, अब तो राजा ही बात नहीं पर राजा की सुन रहा, हम कोई काली झंडी क्यों दिखाएंगे किसी को, हमने कभी किसी को काली झंडी दिखाई, लेकिन इनके मन काड़े हो चुके हैं, जागरूक हैं, ये हमारे प्रधान जी खड़े हैं, ये इतने पुराने हैं, हम इनके नारायणवाई में पड़े हैं, इसके पिताजी लंबड़दार रहे हैं 120 साल, उन्होंने छिंज कराई है, हम काम करते रहे, उतना भी काम नहीं हमारा हो रहा जितनी हमारी पंचायत कराती थी, ये हमें लॉलीपॉप क्या देंगे, हम लॉलीपॉप चूस के बड़े, हमें लॉलीपॉप की जरूरत नहीं, हमें जुमले की जरूरत नहीं है। पहले यूपी में 70 रुपए में पहुंच जाते, और अब 700 रुपए में पहुंच रहे हैं, बताओ कहाँ ये गरीब मार हो रही नहीं हो रही, बताओ। चलो आप आइए। हाँ जी, हाँ जी, क्या आइए, क्या नाम है बेटे आपका? नमस्कार जी, मैं अपना सकेतड़ी से हूँ, मेरा नाम हरमिंदर सिंह है जी। हरमिंदर सिंह जी, क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? दिक्कतें बहुत हैं जी सकेतड़ी गाँव में, आज से पहले हम BJP को वोट कर रहे हैं, हमारा कोई सुधार नहीं है, ठीक है जी, बच्चों को लेकर जिम नहीं है, कोई पार्क नहीं है, पार्क है बट उसमें सुविधा नहीं है। तो आप जो नया पार्षद बनेंगे उससे आप क्या उम्मीद रखते हो? हम यह उम्मीद रखेंगे जो हमारे आने वाली नई जनरेशन है जी, उनके लिए हम सोचेंगे,
सोचेंगे क्या जी, करके दिखाएंगे। इन्होंने नया मुद्दा उठाया यहाँ पर। हाँ जी, क्या उठाया? गवर्नर साहब ने इसको अक्वायर करने के नोटिस हो गया था, इन्होंने पैसा दिया, वो वही कागज खत्म हो गए मंदिर के। नहीं, ये मंदिर श्राइन बोर्ड के अंदर चला गया था। तो आप ये बताइए, आपने ये कहा कि पैसा आया था, कागज ठप हो गए, तो अब क्या ये गांव वाले मिलकर अपने स्तर पर हाई कोर्ट में चला गया? हाँ जी, हाई कोर्ट में केस चला गया। दो मुद्दे हैं। हाँ जी हाँ जी, एक ये जो गांव है ये राजे बराट की नगरी है, बहुत लोगों को कम पता है भी शिव मंदिर किसका है। यहाँ लोटू टोला बाहर कहीं बैठा है, हमारी सात कनाल जगह थी, वो भी गवर्नमेंट ने इसमें ले ली बिन पूछे। 12 किले जब पंचायत गए थे उसमें अपना इतना बड़ा क्लब बना लिया। सकेतड़ी की धर्मशाला का टूटा हुआ हाल पड़ा है, कोई यहाँ कम्युनिटी सेंटर नहीं है। और हम जो शादी ब्याह करने के लिए, कोई काम करने के लिए आते हैं, तो हमें अपना भी प्रोग्राम नहीं करना। तो इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर बहुत से मुद्दे हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए, गाँव 500 साल पुराना होते हुए भी। तो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं और हम उम्मीद करते हैं, ये जनता भी उम्मीद करती है कि कल जो वोटिंग पड़ेगी उसके अंदर आप सब इकट्ठे हो जाइए कि आप भी वहाँ पर ये मुद्दे उठाकर वो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर रहे हैं और अनुराग के साथ और हमारे राहुल तिवारी जी के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।